हेलो दोस्तों, हेलो, कैसे हाल चाल है? तो हैं? हाँ, भाई आज पकड़ा आपको थोड़ी वाली मोटिवेशन बातें बताएंगे, बताएं ठीक है? समय के ऊपर, अपनी कि इंसान की जिंदगी में समय कितनी अहमियत रखता है, जिसको आप क्यों ही खो देते जो हैं अपने या बिना फालतू की अगर समय में कीमत रखोगे तो आगे जाके आप बहुत सफल हो। तो आगे सुनते हैं पापा से कि समय की कीमत क्या होगी। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मेरे से तो बढ़िया ही होंगे आपके पहले की तरह। और ये आपका 30 डे 30 ब्लॉक का डे 5 डे 1 2 3 4 कैसा लगा आपको बताना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना? और भाई आज मैं नहीं गया कहीं भी, ठीक है ना? आज मुझे जाना था कहीं काम देखने के लिए, ठीक है, किसी स्कूल वगैरह का काम है, लेकिन वहाँ से अभी फ़ोन नहीं आया, इस वजह से मैं जा नहीं पाया, ठीक है। और भाई आपके लिए आज कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जा रहे हैं पापा, ठीक है, जो आपकी लाइफ को मोटिवेट करेगा। आपको ये बताएगा कि ज़िंदगी में दुख सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, सभी के पास में है, ठीक है? तो भाई सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं, ठीक है ना? आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ आप ही दुखी हैं, ठीक है ना? पूरा जग दुखी है, कोई किसी चीज़ से और कोई किसी चीज़ से। तो भाई साहब बने रहो और देखते रहो हमारे व्लॉग। हाय ब्रो, बी ब्लॉग, मेरा घर देख लो, पूरा पुराना दुराना टीवी, पता नहीं कितने साल से है ये। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारे सिद्धि वाले साईं भगवान, यहाँ पर मंदिर है, पूजा नहीं हो रही है क्योंकि सारा चल रहे हैं, देख लो भाई यही है, जो भी है, बारिश में यहाँ देख रहे हो थोड़ा सा सीलन आ रही है तो यहाँ पानी आ जाता है भाई, क्या करें, ठीक है। यहाँ पर ये अलमारी बना रखी है छोटी सी, फ्रिज, बस यही है अभी, ठीक है ना? और भाई मेरे घर में कुछ फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं है, हालांकि मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, लेकिन फर्नीचर नहीं है इसलिए नहीं बनाया मैंने कि वो खराब हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है ना? जब अपना घर होगा जब बनाएंगे। और भाई चलते पापा के पास, देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो फोन मिला रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? हाय। और भाई मम्मी बैठी हुई मेरी, देखो हेलो बोलो मम्मी, हेलो लोगे, तुम सब ठीक हो? मम्मी बैठी हुई है और बेचारी, देख सकते हो आप चेहरे से ही देख सकते हो कैसा उतर रहा चेहरा, ठीक है ना? पर क्या करे, ये बैठे पापा फोन मिला रहे हैं, कहाँ मिला रहे हो आप फोन? और भाई हाँ। आज पापा आपको थोड़ी मोटिवेशन वाली बातें बताएंगे, ठीक है, समय के ऊपर, कि इंसान के जिंदगी में समय कितनी अहमियत रखता है, जिसको आप यूं ही खो देते हो अपने आप बिना फालतू की, अगर समय में की कीमत रखोगे तो आगे जाके आप बहुत सफल होगे। तो आज सुनते हैं पापा से कि समय की कीमत। दोस्तों नमस्ते, सबको मेरी राम राम। आज जिंदगी के बारे में कुछ बातें हो जाए, चर्चा हो जाए। चलिए, मेरा मानना यह है, आप माँ बाप पैसा खर्चते हैं पढ़ाई में, सबसे पहले बच्चा पढ़ाई के लिए माँ बाप उसमें पैसे खर्चते हैं, अपना टाइम भी निकाल के उन्हें स्कूल भेजते हैं, अच्छा जी। और आप जो है ना पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, और पढ़ाई हो जाए तो फिर घर पे आके अपना घर वालों का थोड़ा बहुत हाथ बटाओ, अच्छा जी। और कहीं भी फालतू में मन ना बैठें, कोई ज्ञान ध्यान की बातें हैं, कहीं सत्संग चल रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, वहाँ जाकर बैठ जाओ, आपको शांति मिलेगी और कुछ सीखने को भी मिलेगा अच्छा जीवन को चलाने के लिए, अच्छा जी। ये आजकल हमारे देश में नशे की लत बहुत बुरी लगी हुई है, कभी भी नशे के वाले के पास में खड़े मत हो, अच्छा जी, वो बेकार है। हमारे देश को नशा जो है ना नीचे ले जा रहा, आप इस देश का भविष्य है और इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है ना? नीचे नहीं ऊपर ले जाना है। और देश के बारे में भी आपको सोचना है, जब पढ़ो लिखोगे कोई नेता बनेगा, कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई बड़ा अफसर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, आप सभी तो हो जो ये काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो आपको
इस देश को ऊपर ले जाना, नीचे नहीं। और जो नशे की लत है ये घर को भी तो नीचे ले जाती है, धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है, शरीर को भी खा जाती है, सब कुछ माहौल सब खराब हो जाता है घर का। एक नशे की लत जो हमारे देश में चल रही है बच्चों में, ये होनी नहीं चाहिए। गंदी लत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कैसी भी हो गंदी लत। अच्छा जी, मेरा तो यही मानना है कि आप अच्छे देश के नागरिक बनो, माँ बाप का नाम ऊंचा रोशन करो। अच्छा जी, मेहनत करोगे अवश्य फल मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मिले मिले जाएंगे। पापा की बात आपको ठीक है ना भाई, माननी चाहिए, ठीक है ना। अपनों की नहीं मानते तो कम से कम दूसरों की तो मानो, जब दूसरा तुम्हें कह रहा है तो कोई बात, अपनों की तो कोई बात मानता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है आपको तो दूसरा भी तो कुछ समझ के ही बोल रहा होगा ना आपको, कि भाई आपका कुछ नुकसान ना हो उसमें। तो भाई आप है ना, ऐसी गलती ना करें, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, ठीक है। सबकी जो है अपने घर में बात माने, सबकी सहमति से सारे काम करो, नशा पत्ती कुछ भी ना करें, नशे में कुछ नहीं रखा, जीवन खराब हो जाता है, ठीक है। और भाई बैठे हुए पापा देख लो भाई, सर देखो एक बार, भाई देखो सर देखो, पापा के सर पे एक भी कारा बार, ठीक है। पापा होंगे मुझे, ठीक। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल के करीबन जा ली है, 60 हाँ 61 साल के करीबन जा चुकी है। और मैंने तो जब तक पढ़ाई हुई चलो कोई ज़्यादा खास पढ़ाई नहीं हुई, और मैं तो जिंदगी में एक तो काम पे, काम से घर, घर से काम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? इनके पास अधेड़ उठा है, न रोजगार है न पैसा है, क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को खूबसूरती पे बट्टा लगाने? क्यों जनाब? हाँ तो गाइस, कैसे हो आप? तो भाई आज तो कहीं जाना हुआ नहीं, हमारे चैनल पर, हमारे ब्लॉग चैनल पर 30 Day 30 ब्लॉग चल रहा है, आज Day 5 है। ऐसे ही आप सभी को करना है। चैलेंज मतलब क्या होता है ये? चैलेंज का मतलब भाई साफ सीधा है, ठीक है ना। अगर आप चैलेंज ले रहे हैं किसी के लिए, ठीक है ना, आप कुछ भी चैलेंज ले रहे हैं ना, तो वो चैलेंज आप खुद से लो, ठीक। क्या आप उसको कर सकते हो? क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं कि यार तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। तो आप है ना, खुद अपने आप को देखो क्या आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले खुद से करने की ट्राई करो, ठीक है ना। इसलिए मैं अपने आप में कुछ चेंजेस लाने के लिए, मैं अपने आप को बदलने के लिए मैंने ये खुद से चैलेंज लिया है कि मैं पूरे महीने कंटिन्यू टाइम टू टाइम अपना ब्लॉग डालूंगा। रोज़ सुबह 7:45 पर मेरे ब्लॉग आएंगे, संडे को हम लाइव आएंगे, शाम को ब्लॉग भी आएगा और शाम को लाइव भी आएंगे। रील वगैरह मैं अभी शॉर्ट वगैरह में डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट का अपना दूसरे चैनल पर डालूंगा, हाई ब्रो विवेक शॉर्ट पर, विवेक भी शॉर्ट पर। तो फिलहाल तो मैं इस पर ब्लॉग ही डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे चैलेंजेस लेने चाहिए, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप ले सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। उससे आप में हिम्मत आती है, जोश आता है, जुनून आता है आगे काम को करने के लिए। आप क्या करते हो, आप देख के है ना ये बैठ जाते हो कि आज हमने ब्लॉग डाला है और इस पर 2-4 व्यूज आए हैं, फिर आपका मन डिमोटिवेट हो जाता है। आप व्यूज मत देखो, आप सब्सक्राइबर मत देखो, ठीक है, आप पैसा मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो लोगों को, कितनी अच्छी तरीके से समझा रहे हो लोगों को, ठीक है ना। उससे लोगों का क्या फ़ायदा होएगा? जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी, जब तक आपका नाम नहीं होगा, जब तक आपके पास कुछ नहीं होगा। पहले पहचान बनाए, नाम बनाए, फिर पैसे के बारे में सोचे, फेम के बारे में सोचे। सबसे पहले अपना ये है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पापा ने बताया कि अपने टाइम की कदर करें, आप अपने टाइम की कदर करते हैं ना तो आपकी दुनिया कदर करती है, ठीक है। आपकी वो काम कदर करता है जिस काम की आपने कदर करी है, टाइम टू टाइम किया है। इसलिए कोई भी काम करे उसको टाइम से ही कर ले, बाद के भरोसे कुछ ना छोड़े, ठीक है ना। बाद किसी ने नहीं देखा, जिंदगी सिर्फ चंद मिनटों की है, ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। इसलिए कल क्या हो जाए जिंदगी में, 1 घंटे बाद क्या हो जाए किसी को नहीं पता। देखते रहे, ठीक है, अपने भाई का सपोर्ट करें। तुम्हारा भाई खूब मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर रखा है भाई काम में, मेहनत में मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा काम ब्लॉग डालने का है, चाहे व्यूज आए या ना आए, ठीक है, चाहे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े। और भाई अभी मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, ठीक है, और आपसे जो हो सके वो देखना, ठीक। मैं तो यही कहता हूँ कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए बस, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत ही सारी चीज़ का आंसर। आपकी चाहे कोई सा भी, किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन होगा ना, उसका आंसर हमेशा मेहनत ही निकल के आता है। तो इसलिए मेहनत करने से ना डरे। और भाई
हम तो बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं, और आज मैंने व्लॉग बनाया है अपने बैक कैमरा से। बताना यार आपको कैसा लग रहा है हमारा व्लॉग देखने में, ठीक है? तो भाई मिलते हैं आपसे कल सुबह 7:45 पर, और कल के व्लॉग में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि मैं कहाँ गया हूँ और किस लिए गया हूँ। मेरे को काम के लिए फ़ोन आया है, ठीक है? अब वैसे तो मेरे को लग रहा है थोड़ा बड़ा काम है, लेकिन देखना पड़ेगा कैसा काम है कैसा नहीं है, ठीक। बाकी मेरे को जाने के बाद पता चलेगा कि क्या काम है क्या नहीं है, नया काम है या पुराना रिपेयरिंग का काम है, वो मैं देख के बताऊँगा, ठीक है ना? बस मेरे पास कॉल आया, कारपेंटर की ज़रूरत है, तो मैंने कह दिया कि चलो कोई नहीं, कल आ जाऊँगा और कल जाऊँगा। तो भाई ऐसे ही बने रहे, अपने भाई का साथ दें, ऐसे भी लोग आते रहेंगे, आपका मनोरंजन होता रहेगा और ज़िंदगी से जुड़ी आपको बातें सुनने को मिलेंगी, उस पर अमल करें, ठीक है ना? कुछ नहीं रखा यार ज़िंदगी में, इन्जॉय बी पॉजिटिव, ठीक है ना? तो भाई मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और वंदे मातरम, बाय बाय। But my mind can never let me have a moment. I like to think about the...